इस पाठ के प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न उत्तर देखिए, सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधनम पदम न अस्ति, यानी ये जो शब्द दिए हैं इनमें से माता का देवी का संबोधन कौन सा न अस्ति, नहीं है। तो वह भगवती है, वागीश्वरी है, सुर भारती है, मानस हंस से देवी का संबोधन नहीं है। मानस हंस से पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, अस्याम वंदनायाम आहत्य कति संबोधन पदानि सन्ति, यानी इस वंदना में, इस गीतिका में कितने संबोधन किए गए हैं, कितनी बार देवी को संबोधित किया गया है। तो हमारी इस वंदना में 7 बार देवी को संबोधित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, अस्याम गीत्याम कस्या वंदना विधीयते, यानी इस गीतिका में, इस कविता में किसकी वंदना की गई है, कौन सी देवी की वंदना की गई है। वाग्देव्या यानी वाणी की, देवी सरस्वती की, दुर्गाया दुर्गा की, भारत मातु भारत माता की, ललित कलाया ललित कलाओं की। तो इसमें उत्तर होगा वाग्देव्या वाणी की, देवी सरस्वती की। अगला है, वागीश्वरी इति अत्र संधि विच्छेद अस्ति, वागीश्वरी इस शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो इसका उत्तर है वाक प्लस ईश्वरी, कै जो है, ए जो है, वो इसका उत्तर है। आगे है लघुत्तरात्मक प्रश्न, यानी हमें कम से कम एक वाक्य में, लघुत्तरात्मक मतलब छोटे रूप में, लेकिन कम से कम एक वाक्य में तो उत्तर दे। पहला प्रश्न है, जय जय हे सुर भगवती सुर भारती इत्यस्य गीते रचयिता अस्ति, जय जय हे सुर भारती, इस गीत के, इस कविता के लिखने वाले कौन है, रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता डॉक्टर हरि रामाचार्य हैं। अस्य गीतस्य रचयिता डॉक्टर हरि रामाचार्य अस्ति, इस प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, कति काव्य रसा सन्ति, यानी काव्य रस कितने हैं, केशांचन त्रयाणाम रसानाम नामानि लिखन्तु, किन्हीं 3 रसों के नाम लिख दीजिए, 9 रस होते हैं, उनमें से किन्हीं 3 रसों का नाम पूछा है। तो उनमें से हमें क्या उत्तर लिखना, काव्य रस 9 होते हैं, उनमें पहला श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, ये 3 रस का नाम हम बता देंगे। अगला प्रश्न है, मानस हंस इत्यस्य किम अर्थद्वयम् कर्तुम शक्यते, मानस हंस है इस शब्द के 2 अर्थ हम कौन कौन से कर सकते हैं। मानस हंस का यानी दो जो अर्थ आए हैं वो दोनों अर्थ कौन कौन से हैं। तो इसमें है, एक तो है मानसरोवर विहग हंस है, यानी मानसरोवर में, तालाब में रहने वाला पक्षी हंस द्वितीय च, और दूसरा मम मानस हृदय रूपी हंस है, मेरा हृदय जो रूपी है मानसरोवर है उसका हंस अभी मेरा हृदय और एक मानसरोवर, ये 2 अर्थ इस शब्द के हैं। अगला है, चौथा प्रश्न है, सित पंकजम इत्यस्य पर्याय शब्दस्य त्रय लिखन्तु, यानी सित पंकज इस शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं, उनके हैं सित पंकजम इत्यस्य पर्याय शब्द है श्वेत कमलम, एक श्वेत कमलम, दूसरा पुंडरीक है और तीसरा महापद्मच सन्ति। आगे निबंधात्मक प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है उसमें इस श्लोक का हिंदी अनुवाद पूछा है, जो हमारा हमने हिंदी अनुवाद किया उसमें हो चुका है। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याख्या करनी है इस श्लोक की, तो संस्कृत व्याख्या में हम क्या करेंगे, जो हमने इस श्लोक का हिंदी अनुवाद किया है उसको अपनी भाषा में, हमारी भाषा में, खुद की भाषा में वापस संस्कृत में अनुवाद कर देंगे। जो हिंदी अनुवाद हमने किया है उसको हम हमारी भाषा में, सीधी सरल भाषा में, जैसी हम बना सकते हैं, जैसी हमें आती है, सीधी सीधी सरल भाषा में कर देंगे। तो क्या कर देंगे, इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या, पहले प्रसंग लिख देंगे थोड़ा, कहाँ से लिया गया है, कौन लिखने वाले हैं। अयम श्लोक है डॉक्टर हरिराम आचार्य ने लिखित है, यह श्लोक डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा लिखी गई सरस्वती वंदना, जय सुर भारती, जय सुर भारती हमारे पाठ का नाम जो है, पाठस्य अस्ति पाठ का है, यह श्लोक डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा लिखे गए जय सुर भारती पाठ का है। कवि कथयति, कवि क्या कह रहे हैं इस श्लोक के अंदर, हे देवी त्वं त्रिभुवन धन्या शरण्या सुरमुनि वंदित चरणासि, हे देवी
तुम त्रिभुवन धन्या तीनों लोकों के अधिष्ठात्री देवी शरण्या हमें शरण देने वाली सूर्य मुनि वंदित शरणा देवताओं ऋषि मुनियों के द्वारा पूजी जाने वाली असी मतलब हो। तव कविता तुम्हारी कविता यानी तुम्हारे द्वारा बोले गए जो भी शब्द है वो नवरसे युक्ता नौ रसों से युक्त मधुरा चय अस्ति और मधुर है मीठे हैं। तव मंद हास युक्ता छवि तुम्हारी मंद मुस्कान जो है तुम्हारे चेहरे पर जो मंद मुस्कान स्थापित है वही तव रुचिर आभूषण मस्ती तुम्हारा सबसे सुंदर आभूषण है यानी आपके चेहरे पर जो सुंदर मुस्कान होती है वही आभूषण होता है। आपका आभूषण वही होता है, आपके लिए किसी और आभूषण की आवश्यकता ही नहीं रहती है। और फिर इसके विशेष में हम जो भी कुछ इसके अंदर हम देख रहे हैं वो लिख देंगे। अस्य भाषा इसकी भाषा अतीव सरसा यानी अत्यंत सरस मनोहर यानी मन को अच्छी लगने वाली है। ये हम संस्कृत व्याख्या में कर देंगे। संस्कृत व्याख्या में हिंदी अनुवाद नहीं आएगा। संस्कृत व्याख्या करते समय हमें वापस से संस्कृत में ही लिखना होगा। हम कैसे भी लिख सकते हैं सीधी भाषा में उसी का संस्कृत में हमें अनुवाद कर देना होता है। ये आपका पहला पाठ, उसका हिंदी अनुवाद, उसके प्रश्न उत्तर सारे कंप्लीट हो गए हैं। सारा काम सब लोग अपने नोटबुक में अपनी कॉपी में पूरा कर लेना।